हाय गाइस, तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एक चेकलिस्ट सीरीज आती रहेगी जिसके अंदर मैं आपको फ्लोर के एरिया के हिसाब से सारी चीजें वो बताऊंगा जो एज अ कंसल्टेंट हम चेक करते हैं कि एक घर के अंदर जो एक सिस्टम प्रोसीजर और जो चेक पॉइंट फॉलो होने चाहिए वो हुए हैं या नहीं है। तो और भी मैं वीडियोस बना के डाल चुका हूं, आप आई बटन में जाके वो चेक कर सकते हो, वहां से आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज की चेकलिस्ट सीरीज का जो चौथा वीडियो होने वाला है वो वीडियो है हमारा टेरेस का चेकलिस्ट। दैट्स राइट, क्योंकि आप लोगों के कमेंट बहुत ज्यादा आए हैं जिसमें मनीष जी टेरेस की चेकलिस्ट बनाओ कि यार उसमें किस चीजों को ध्यान रखना है, अगर नया स्लैब डल रहा है तो क्या करना है, अगर पुराना स्लैब है या हम वाटरप्रूफिंग कराने जा रहे हैं या उस पर कोई परगोला आप डिजाइन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या चेकलिस्ट की सीरीज होनी चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मैं चैनल इंटर कोच में और मैं हूं आपका इंटर कोच एंड इंटर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। तो गाइस, सबसे पहले तो यार एक्सट्रीमली सॉरी कि वेडनेसडे को जो मेरा लाइव का सेशन होता है कभी कभी मिस हो जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि घर में फंक्शंस इतने सारे हो रहे हैं जिसकी वजह से टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। बट स्टिल आई विल ट्राई टू मैनेज कि मैं कभी भी थर्सडे संडे या जब भी टाइम मिलेगा मैं डेफिनेटली लाइव आऊँगा। और कल का सेशन तो बहुत अच्छा गया यार, मुझे भी नहीं पता चला कब 2 घंटे हो गए हमें लाइव सेशन पे चले हुए। तो इस वीडियो के चेकलिस्ट के जो मेन पॉइंट्स होने वाले हैं जो हर किसी को ध्यान रखना है, और गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, तो इसको पूरा देखना, आधी अधूरी देख लोगे तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बाद में खुद का घाटा करा बैठोगे। तो ध्यान से इस पॉइंट को सुनना। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर को, प्लम्बिंग को, इलेक्ट्रिकल को, वाटरप्रूफिंग को एंड टाइलिंग के बारे में। तो इसमें दोनों पार्ट कवर हो रहे हैं, स्लैब कास्टिंग का कि अगर किसी का नया घर का स्लैब बन रहा है वो पार्ट भी कवर होगा, और अगर किसी का इंटीरियर का पॉइंट है मतलब कि स्लैब कास्ट हो चुका है उसके बाद क्या करना है वो भी इसमें कवर होगा, या आप स्लैब को रेनोवेट कर रहे हो इसमें वाटरप्रूफिंग दोबारा से करा रहे हो तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में देखो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जो आपकी स्लैब है जो कंक्रीट उस पर होने वाला है वो कोशिश करो एक ही बार में पूरा हो जाए, उसमें कोई जॉइंट ना बने। दूसरा, कई बार एरिया हमारे पास बहुत ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं एक या दो या तीन हिस्से में करके छत को डालते हैं, और भी ज्यादा इसके पार्ट्स हो सकते हैं, लेकिन हमें जब स्ट्रक्चर उसमें डालना है तो एक चीज का ध्यान रखना है। अगर सपोज करो 10x10 का हमारा एरिया है और हम आधी स्लैब डालने वाले हैं, मतलब कि हम 5x10 के एरिया में डालने वाले हैं, तो उस स्लैब की थिकनेस को एक बार में पूरा प्रॉपर करना है। कई जगह मैंने क्या देखा कि स्लैब को अगर 5 इंच थिक की आपकी स्लैब होने वाली है तो पहले 3 इंच डाल दी उसके ऊपर से 2 इंच डाल रहे हैं, तो वो काम हमें नहीं करना है। हमें एक पोर्शन पूरा डालना है उसके बाद दूसरा पोर्शन पूरा डालना है। अगर और अच्छे से इसमें आप कराना चाहते हो कि जॉइंट्स अच्छे से बन जाए तो हम की स्ट्रक्चर है, फोटो में आप देख सकते हो ये की स्ट्रक्चर से इंटरलॉकिंग हो जाता है और कॉन्क्रीट में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ बन जाती है। अगर आप स्लैब की थिकनेस में 2 पार्ट में डालोगे तो उसमें एक जॉइंट बन जाता है जिसे हम बोलते हैं कोल्ड जॉइंट, COLD कोल्ड जॉइंट। इससे क्या होता है कि इन फ्यूचर जब आप उस पर भागोगे या फिर कोई जोर से वाइब्रेशन आएगा तो क्या होगा, नीचे का जो प्लास्टर है वो झड़झड़ के गिरने लग जाएगा, और कल को अगर कहीं से पानी लीकेज हुआ तो बिल्कुल झरने की तरह आपके छत से पानी आएगा। तो अगर किसी को झरना बनाना है तो ऐसे कॉन्क्रीटिंग जरूर कराए। तीसरा, आपको इसमें क्या करना है कि जो कॉन्क्रीट है उसमें कई बार क्या होता है छोटे छोटे कैपिलरीज बन जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पोर्स होते हैं, जैसे हमारे घर के अंदर मैं बताऊं मटका जो होता है जिसे हम जिसमें पानी रखते हैं ठंडा होता है, उसमें क्या होता है कोई छेद नहीं होता है लेकिन छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें से एयर की वजह से जो वेंटिलेशन होता है उसके अंदर जो हवा जो पास जाता है उसके पोर्स में हवा के थ्रू वो पानी उसको ठंडा रखता है। तो सेम कॉन्क्रीट में होता है कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं लेकिन उसमें से ये नहीं है कि पानी बाहर निकल जाएगा लेकिन स्टिल मॉइस्चर को वो ला सकता है। तो आपको क्या करना है उसके अंदर, ये सिर्फ टॉप स्लैब की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर कॉन्क्रीट में आपको LW+ लगा देना है। ये ध्यान रखना कि डॉक्टर फिक्सिंग का URP 301 एक वाटरप्रूफिंग कंपाउंड है जबकि LW+ कंक्रीट में मिलाया जाता है। कई बार मैंने देखा है कि जो हमारे महान महान लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि LW+ से ही वाटरप्रूफिंग कर डालते हैं, तो वो हमें नहीं करना है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब जो पॉइंट बता रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज तक ना किसी मिस्त्री ने आपको बताया होगा ना किसी किसी भी कॉन्ट्रेक्टर ने नहीं बताया होगा। अभी क्या करने का, अपने को पैराफिट जो वॉल होती है हमारी जो बाउंड्री पैराफिट वॉल है इसके ऊपर हम कई बार क्या करते हैं DPC कर देते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें आपको क्या करना है, ये DPC अगर है तो इसको थोड़ा सा हमें बाहर निकाल देना है और उसमें थ्रोटिंग कर देनी है। थ्रोटिंग का मतलब फोटो में आप देख सकते हो, इससे फायदा क्या होगा कि जो सपोज करो पानी की बूंद आई वो पीछे से जो लहर सी बनाती है वो नहीं बनेगी, वो क्या करेगा पानी ऐसे टॉप पे गिरेगा ऐसे स्लाइड होगा नीचे आएगा और उस थ्रोटिंग के अंदर चले जाएगा और वहीं वहीं गिर जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि वो पानी आपकी दीवार तक नहीं पहुंचेगा और जो लाइन है जो धार बन जाती है पानी की वो नहीं बनेगी। तो बहुत कमाल का पॉइंट है ये, जरूर अगर है सकता है तो कराओ इसको, अदरवाइज नहीं तो आप उसके टॉप पे ग्रेनाइट रख सकते हो, टाइल रख सकते हो, बट टाइल मैं कहूंगा थोड़ा सा टैकी लगता है वो मत लगाना, ग्रेनाइट लगाओगे हाफ राउंड मोल्डिंग के साथ तो बहुत ही सुंदर लगेगा। अब जो पॉइंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना, वो है आपका प्लम्बिंग का पॉइंट। क्योंकि स्ट्रक्चर में तो जो फॉल्ट होने थे वो हो गए, सपोज करो कोई स्ट्रक्चर में फॉल्ट हो गया तो हो गया, लेकिन अब जो पॉइंट आने वाले हैं वो आपकी सीपेज या मेंटेनेंस के पे डिपेंड करने वाले।
प्लंबिंग में आपको सबसे अच्छी चीज ये ध्यान रखनी है वो ये होती है कि कोशिश करो, या अपने आर्किटेक्ट को बोलो या खुद देखो अगर खुद से घर बनवा रहे हो तो, कि आपके सारे के सारे प्लंबिंग के पाइप्स वॉल से क्लैड होके जाने चाहिए, फ्लोर में नहीं होने चाहिए। आई नो कहीं कहीं ये ट्रिकी हो जाता है, बट कोशिश ये करो कि ये सारे प्लंबिंग के पाइप्स एक वॉल से क्लैड होते जाएं, फ्लोर से ना जाएं। वो इसलिए कर, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपका सीपेज आ भी गया तो वो वॉल पे आएगा ना कि फ्लोर में, और वॉल पे सीपेज आते हैं हमें दिख जाएगा कि यार इस पर्टिकुलर पोर्शन से सीपेज स्टार्ट हुई है और यहां से फैलती जा रही है, तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम रिपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमने फ्लोर में डाल दिया, फ्लोर में ऊपर से टाइल लग गया या कुछ भी आपने जो भी लगवाया वो उसके नीचे दब जाएगा, और घाटा क्या होगा आपका कि सीपेज आएगी और आपको पता नहीं चलेगा कहां से आ रही है। तो और अगली वीडियोस पे होने वाली है कि अगर आपका टेरेस पे फ्लोर है और हीट बहुत ज्यादा आ रही है तो उसकी हीट को हम कैसे कम कर सकते हैं, कौन कौन से सॉल्यूशंस है वो मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूं। तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना, तबीयत बहुत खराब है बट स्टिल आई एम मेकिंग वीडियो फॉर यू गाइस। दूसरा पॉइंट प्लंबिंग में ध्यान रखना, हमेशा सबसे छोटा रूट आपको चूज करना है, मतलब कि सबसे शॉर्टेस्ट रूट आपको चूज करना है प्लंबिंग लाइन का, कि कम से कम ट्रेवल करते हुए सीधा जहां उसको जाना है उतने रूट के वहां चले जाए। बेंड बेसिकली कम से कम देना है, जो भी जैसे जहां जहां पे पाइप आपका मुड़ेगा वो बेंड बहुत कम से कम होना है, क्योंकि पूरे एक पाइप में, कंटिन्यू पाइप में, थ्रू आउट पाइप में कोई जॉइंट नहीं होता है, वो सीधा सीधा पाइप होता है। जितने ज्यादा जॉइंट होंगे उतने ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे हमारे लीकेज होने के। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो चाहे क्लाइंट हो वो इसको सीरियसली नहीं लेता है। अगेन बार बार कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाइप के लेमेन होने के बाद जैसे ही पाइप आपके फ्लोर में या वॉल में जहां भी आप लगा रहे हो डल गए हो, उसको तुरंत के तुरंत कवर अप करा दो, या तो मसाले से, जिसे हम बेसिकली हॉन्चिंग प्रोसेस भी कहते हैं, उसको मसाले से कवर अप जरूर कर देना है। वो इसलिए क्योंकि देखो क्या है ना, कॉन्ट्रैक्टर हो आकर, सपोज करो आप कॉन्ट्रैक्टर हो या क्लाइंट हो, आप तो अच्छा काम करा रहे हो, बट लेबर कई बार क्या करती है उसे उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पाइप पे पत्थर मार दिया या आपने कोई टूल फेंक दिया तो पाइप टूट जाता है, आप उस टाइम तो पाइपलाइन खा लिया और आपको पता नहीं चलेगा कि यार मेरी पाइपलाइन में छेद हो रखा है। तो हमेशा जैसे ही पाइप हो, फर्स्ट से फर्स्ट स्टेप है जिसमें मुश्किल से यार पूरे फ्लोर के पाइप को कवर करने में एक घंटा या एक दिन लग जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लगता है, तो उसको सबसे पहले कवर अप करा दो और आपका पाइप एकदम सेफ एंड सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, एक कटआउट जो हम बनाते हैं जहाँ से सारे के सारे प्लम्बिंग पाइप्स ट्रेवल होकर नीचे जाने वाले हैं, चाहे वो शाफ्ट में जाने वाले हैं या वॉल में आप कंसील करके लेके जा रहे हो, तो हमेशा ये ध्यान देना है कि कई बार लोग क्या करते हैं कि लेंटर में ही, और सपोज करो ये वॉल है, ये लेंटर है, या कोने पे ही छेद मार के पाइप नीचे करा देते हैं, ये नहीं करना है। तो मैंने आपको फर्स्ट गाइड क्या किया था, वॉल से लेके जाओ, वॉल टू वॉल में ही आप उसको छेद करो, ऊपर के हाइट में, कोने में नहीं करना है आपको, यहां सेंटर पे करो, सेंटर से बाहर ले जाओ और फिर नीचे उतार दो वॉल पे क्लाइड करते हुए। इससे क्योंकि फायदा, इससे फायदा क्या होता है, कल को जब बारिश होती है तो क्या होता है, जो छेद हमने बनाया उस छेद के अंदर कई बार पानी, वो जो ग्राउटिंग वहां पे करेंगे या जो सीमेंट का पेस्ट वहां पे लगाने वाले हैं, जो भी एक्स वाई जेड हम लगाने वाले हैं, वो कल को क्रैक हो जाता है, क्योंकि उसकी भी एक लाइफ है, और वो क्रैक हो जाता है तो पानी वहां फिर साइडों से जाने लग जाता है, और फिर अगेन वो हेयर लाइन क्रैक से ड्रॉप ड्रॉप करके पानी आएगा और पता नहीं चलता आ कहां से रहा है। तो कोशिश ये करो, वॉल से क्लैड हुआ, वॉल टू वॉल ही बाहर उतर गया। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी फ्लोर में ड्रेन पाइप जहां भी दे रहे हो, जो उसकी कोर कटिंग होता है, कोर कटिंग मतलब कि जहां से वो छेद करने वाले, जिसके अंदर से पाइप ट्रेवल करेगा, जहां आपका ट्रैप है जिसमें बारिश का पानी आएगा और वहां से एग्जिट करेगा, हमेशा ध्यान रखो उसके चारों तरफ कंक्रीट के साथ साथ URP 301 का मेन अगेशा वाटर प्रूफिंग करना है, पेस्ट बना के करना है। मैंने अपनी वीडियोस में वाटर प्रूफिंग की बनाई हुई है, वहां जाके आप देख सकते हो क्या उसका एक्चुअल प्रोसीजर होता है, क्या रेशियो होता है, उसमें आप देख सकते हो। अगला जो इसमें पॉइंट आता है वो होता है ड्रेन वाटर पाइप, मतलब कि बारिश जब होगी और जो फ्लोर पे पानी आएगा वो कहाँ से ड्रेन आउट होने वाला है। कई जगह मैंने देखा है कि यार 1000-2000 स्क्वायर फीट एरिया के बालकन में सिर्फ दो ही ड्रेन पाइप होते हैं, तो वो आपको हमेशा नहीं करना है यार, बहुत ही गलत चीज़ है। मैं बार बार अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल और पेंट में कॉम्प्रोमाइज मत करना कभी भी, क्योंकि अगर ये चीज़ खराब हो गई तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी खराब है, साथ के साथ ये वो चीज़ें हैं जो आपका खर्चा बहुत बढ़ा देती है। सपोज करो आपकी टाइल खराब होगी तो एक पर्टिकुलर एरिया को टाइल को तोड़ दोगे, इससे बाकी की चीज़ें इफेक्ट नहीं होंगी, लेकिन अगर सीपेज आ गई तो पेंट खराब, फॉल सीलिंग खराब, लकड़ी खराब, फ्लोरिंग खराब, सब खराब हो जाता है। तो हमेशा प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल और पेंट के आइटम में कॉम्प्रोमाइज मत करना। तो आपका फ्लोर है अगर, तो उसमें कोशिश करो चार कॉर्नर्स अगर बन रहे हैं तो चारों कॉर्नर्स में पानी जो है वो अलग अलग वहां से ड्रेन आउट होना हो जाना चाहिए। और आजकल कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि अगर हम चारों कोनों पे बालकनी में पाइप उतार रहे हैं तो हमारा जो एलिवेशन होगा ये खराब ना हो जाए। तो गाइस एलिवेशन के इतने सारे आइटम्स मार्केट में आजकल अवेलेबल है, अपने आर्किटेक्ट को बोलो कि यार हमें जो पाइप है वो बाहर से निकालना है, चारों कॉर्नर पे देना है, डेफिनेटली दे विल फिगर आउट कि कैसे वो अच्छा लगने वाला है। तो कोशिश करो चार हो, और
बाकी जो इसमें और क्या पॉइंट एड ऑन करना है वो टाइल के सेक्शन में आएगा, वो मैं आपको वहां बताऊंगा। बाकी और परगोला में कैसे प्लंबिंग का पाइप डालना है, मैंने परगोला के ऊपर डिजाइन कॉस्टिंग की, एक परगोला अगर टेरेस डिजाइन बनाते हैं तो उसकी कितनी कॉस्टिंग आती है वो मैंने वहां डाला हुआ है, वहां से आप जाके चेक कर सकते हो। मतलब मेरी अब तक की वो वीडियो जिसपे सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं उसको आप देखो, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो इलेक्ट्रिकल का है, इसमें उतना कोई खास ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बट जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि कोशिश करो जो वायर है वो जो सिंगल वायर आती है वो यूज मत करना, कोर की वायर यूज करना। दो कोर की वायर जो आती है जिसपे इंसुलेटिंग मटेरियल ब्लैक कलर का चढ़ा होता है, उससे फायदा क्या होता है कि वो वायर इजीली कटती नहीं है, गलती नहीं है, और भी बहुत से एडवांटेजेस है। प्लस उसके साथ साथ हमें हमेशा पीवीसी कंड्यूट या फ्लेक्सिबल पाइप के थ्रू ही उसको ट्रेवल कराना है, ओपन में नहीं लेके जाना है, तो ये कोशिश हमें करनी है। वॉल के थ्रू क्लैड करो, फ्लोर में अगेन कोशिश करो कम से कम उसका पॉइंट हो। और पीवीसी बस जो मेन पॉइंट है इसमें ध्यान रखने वाला वो ये है, जो अभी क्या होता है लेंटर में हम कई बार लोकल पाइप डालते हैं उससे इतना कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, वो इतनी आसानी से नहीं टूटता है, लेकिन फ्लोर के एरिया में जहाँ स्लैब का एरिया जहाँ पानी की मूवमेंट हो सकती है वहाँ पे आपको क्या करना है, हमेशा हैवी क्वालिटी का पाइप लाना है। AKG का भी आता है पाइप, इसमें पॉलीकैब का भी आता है पाइप, इसमें वो आप डाल सकते हो, काफ़ी अच्छी कंपनी है वो लगाओ, हैवी ड्यूटी के होते हैं और अच्छा मटेरियल होता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट होने वाला है वो वाटरप्रूफिंग है और टाइलिंग का पॉइंट है, और वाटरप्रूफिंग अपने आप में एक थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है, तो मैं इसको इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, इसका मैं सेकंड पार्ट लेके आ रहा हूं जो इसके वीडियो के अपलोड होने के तुरंत अगले ही दिन अपलोड हो जाएगा, तो वहां से वो देखना, और वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वाटरप्रूफिंग वाली, क्योंकि वाटरप्रूफिंग में लोगों को पता ही नहीं है कैसे कैसे आपको थोड़ा सा फेक कर देते हैं और चीट कर लेते हैं, तो उसको ध्यान से देखना है। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, बहुत एक्सपीरियंस ले लिया है तब जाके आपसे शेयर कर पा रहा हूँ। टिल देन गुड बाय।